साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं का जो रोष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी युवाओं ने भारत बंद का ऐलान किया था, कई जगहों पर इसके असर भी देखने को मिले, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने जब इस योजना को शुरू किया था तो ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले 48 घंटों में ही जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे और सरकार का विरोध शुरू कर देंगे, इस योजना का विरोध करना शुरू कर देंगे और सरकार को आने वाले 72 घंटे में ही कुछ ऐसे नियमों में बदलाव करने पड़ जाएंगे जो कि इस योजना से जुड़े हुए थे। फिलहाल लगातार अब जो युवा है वो एक एक दिन करके अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। आज भी भारत बंद का ऐलान किया गया था, कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला, कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया और कुल मिलाकर इनकी संख्या जो थी वो करीब 529 मतलब 529 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है इस आंदोलन या फिर इस विरोध के चलते। ये विरोधी कौन है, ये विरोध करने वाले कौन है, क्या ये सेना में भर्ती होने के लायक है या नहीं लायक है, इस पर भी विचार करना जरूरी है क्योंकि सेना की नौकरी जो डिसिप्लिन की नौकरी होती है, अनुशासन की नौकरी होती है, उस नौकरी में जाने से पहले इन युवाओं का ये विरोध ये बताता है कि आखिर अगर ये सेना में जाते तो किस तरह से जाते और अगर सेना में ये नहीं जा रहे हैं तो उसका जो खामियाजा है वो आम जनता या फिर सरकारी संपत्ति को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आज सेनाओं की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है कि आने वाली जुलाई में 5 अलग अलग ग्रेडों के लिए भर्तियां होंगी अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के जरिए। ये 8वीं से लेकर के 12वीं तक के जो अभ्यर्थी होंगे वो इस स्कीम के जरिए अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी भर्ती जो है वो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होगी। 4 साल की नौकरी होगी, वही सारे नियम कायदे कानून होंगे जो कि पहले दिन बनाए गए थे। कुछ मूलचूल परिवर्तन जो हैं वो इसमें किए गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि लगातार जो विरोध था वो बढ़ते जा रहा था। सरकार ने पहले जो 17.5 साल से 21 साल तक का नियम था उसे बढ़ा करके 23 साल तक का कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने ये भी नियम कल बनाया है कि जो सरकारी जो सेना से जुड़ी हुई जो कैंटीन्स हैं या फिर जो उनसे जुड़े हुए जो संबंधित दूसरी सुविधाएं हैं वो भी इन अग्निवीरों को दिए जाएंगे अगर ये नौकरी में आते हैं तो। और इसके अलावा अब ये भी नियम आया है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से अलग अलग विभागों में जो भर्तियाँ होंगी उनमें भी इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जरूर गया है कि आने वाले समय में जब ये अग्निवीर अपने अग्निपथ का 4 साल पूरा कर लेंगे और अगर इन्हें आगे सेना में नौकरी को जारी रखना है तो उसमें किसी भी तरह से कोई सहूलियत इन्हें नहीं मिलेगी। उसमें अगर सहूलियत पानी है तो वो अपने रिज्यूम में अपने बायोडाटा में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि वो अग्निवीर रह चुके हैं और इसके अलावा बाकी जितना भी प्रोसेस आम भर्ती के लिए होता है उस तरह का प्रोसेस इस भर्ती के लिए भी होगा, जिसमें वो अपने आगे का भविष्य तय करेंगे कि अगर वो सेना में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं और अगर जाना चाहते हैं तो सारे नियम कानून पालन करने के बाद ही वो जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई सारे जो नियम हैं वो बना दिए गए थे पहले ही इस पूरी भर्ती को लेकर के कि कितना कितना मेहनताना, कितनी कितनी तनख्वाह मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन लगातार इस पूरे स्कीम पर, इस शॉर्ट टर्म जॉब स्कीम पर अब सरकार के खिलाफ जो युवाओं का विरोध है वो बढ़ते जा रहा है। ये विरोध करने वाले कौन हैं, क्या ये वही अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, आर्मी की भर्ती की नौकरी की तलाश में थे, सेना की भर्ती की नौकरी की तलाश में थे और उनके मन में ये था कि एक बहुत जल्दी सरकार की तरफ से 2 से 2.5 साल बाद जब सेना की भर्तियां शुरू होंगी तो हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन नियम बनने के बाद से ये युवा नाराज हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अराजक तत्व हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ये भी किया गया है, कहा गया है कि जिनका भी नाम मुकदमों में आ जाएगा उन्हें भर्ती से दूर रखा जाएगा, रखना भी चाहिए क्योंकि लगातार आम जनमानस को हानि पहुंचाने की कोशिश, लगातार ट्रेनों को रद्द करवाने, ट्रेनों को रोकने की कोशिश, लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ये वो लोग नहीं हो सकते हैं जो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो भी सकता है कि शायद नाराजगी इतनी हो कि उनकी नाराजगी अब सड़क पर उतर आई हो, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने तक उतर आई हो, लोगों को नुकसान पहुँचाने तक उतर आई हो, लेकिन विरोध का ये
तरीका बहुत गलत है और इस विरोध के तरीके पर जल्द से जल्द रोक लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, आम जनमानस की जान खतरे में डाल देना, अपनी जान खतरे में डाल देना, अपना भविष्य खतरे में डाल देना, ये किसी भी विरोध का तरीका नहीं है। इस विरोध के तरीके से इन युवाओं को कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनानी बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से जो स्कीम आई है, उस स्कीम को समझाने के लिए, उस स्कीम के फायदे बताने के लिए, और ये स्कीम अच्छी है ऐसा बताने का प्रयास जो है वो लगातार सरकार और सेनाओं की तरफ से किया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है, सरकार के विभिन्न विभिन्न मंत्री मुख्यमंत्री भी इस योजना को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अग्निवीरों का जो भविष्य है वो अधर में नहीं रहेगा। अगर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बॉडीज़ हैं, अलग अलग भर्तियों की बॉडीज़ हैं या फिर अलग अलग जो विभाग हैं, अगर वो उसमें भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, भर्ती होना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से यही है कि इस स्कीम के जरिए युवाओं को बेहतर भविष्य से जोड़ा जाए। लेकिन युवाओं का भविष्य खतरे में क्यों है, युवा क्यों नाराज हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी स्क्रूटनी, इसका जो कंक्लूजन है वो सरकार को निकालना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन युवाओं को कैसे समझाया जाए कि ये जो योजना है, इस योजना के जरिए हम देश की आर्मी को, देश की सेनाओं को चुस्त दुरुस्त बनाना चाहते हैं, उनके माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं। चार साल पर जो युवा भर्ती किए जाएंगे उन युवाओं को और जोश के साथ भर्ती होने का जो सिलसिला है उस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आने वाले 2030 या 2040 तक हमारी सेना और सेना के जवान उस अनुपात में पहुंच जाएं जिस अनुपात में सेना के अधिकारी हैं, और वो अनुपात 1.1 का है, जहां पर जो सेना के जवान और सेना के अधिकारी हैं उनका जो मानसिक संतुलन है, उनकी जो क्षमता है वो बराबर रहेगी, उनका जो अनुपात है वो बराबर रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के सेनाओं को बेहतर और बेहतरी से जोड़ने के लिए इस तरह का कदम जो है वो सेनाओं की तरफ से उठाया गया है। लेकिन सवाल फिर यहीं पर उठता है कि अगर सारी स्टडी करी गई थी, सब कुछ सोच विचार के साथ किया गया था, विचार विमर्श के बाद इस फैसले को लिया गया था, तो आखिर 72 घंटे बीतते ही क्यों नियमों में बदलाव करना पड़ा, क्यों ऐसे नियमों पर सोच विचार विमर्श करना पड़ा और सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा कि आखिर युवाओं का रोष जो है वो कम हो सके। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या होगी। सरकार ने साफ तौर पर, सेनाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भर्तियां होंगी वो इसी नियम के आधार पर होंगी, लेकिन अब युवा क्या करेंगे, क्या इसी नियम के तहत वो सेनाओं में भर्ती होने की कोशिश करेंगे या फिर अपना विरोध इसी तरह से जताएंगे और अपना भविष्य अधर में डालेंगे। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने प्रदेश देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे। आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब यही सुविधा चार इससे पहले मिल रही थी वो सही होगी कि अब सही होगी, और भर्ती जो अग्निवीर निकली है पूरा गलत है। अगर मंत्रियों को, विधायकों को अगर मिल सकता है पूरी तरह पेंशन 5 साल के लिए, हमें 4 साल नौकरी दी जा रही है उनसे 1 साल कम भी, तो हमें पेंशन क्यों नहीं दिया जाए। अगर ये सही है अग्निवीर, तो हमें 4 साल नौकरी दे के
पेंशन दें। और ये सरासर ये जो सरकार का नुकसान कर रहे हैं, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। रामनिवास यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सचिन शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, शिवम शुक्ला जी रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मानों का आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रामनिवास जी आपके पास आना चाहूँगा। रामनिवास जी ने अभी दो दिन पहले एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी अपने दोनों बच्चों के साथ, और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सौभाग्य मिला तो अपने दोनों बच्चों को अग्निवीर बनाना चाहूँगा। रामनिवास जी, लगातार विरोध हो रहा है आप लोगों के खिलाफ, और आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि इस स्कीम को वापस दिया जाए, क्या कारण आपको लगता है, और क्या इसमें जो बदलाव आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सही तरीके से स्टडी नहीं करी थी इसी वजह से बदलाव करने पड़ रहे हैं आप लोगों को? नहीं नितिन जी, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत प्लान करके इस योजना को लागू किया था, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि कोई कंपलसरी नहीं है, जिसकी स्वेच्छा है वही जाए, बाकी अन्य नौकरियाँ हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दो तीन सालों से विपक्ष के लोग एक राजनीति के तहत, एक साजिश के तहत, चाहे धारा 370 हटाई जाए तभी इसी तरह का आंदोलन चलेगा, भाई लोग आएंगे मुंह ढक के आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, गोली चलाएंगे, उसी तरह किसान आंदोलन में से हुआ, इस तरह CNRC में हुआ, और सेम उसी पैटर्न पे ये हुआ, और उसके पहले अभी नूपुर शर्मा वाले प्रकरण पे हुआ। तो एक पैटर्न बन गया है, जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है वहाँ युवाओं को बरगला के उनको आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैंने भी सेना में जो है ट्रेनिंग ली है, और मैं भी इसमें काम कर चुका हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसके बारे में जानते नहीं। लोगों में, युवाओं में जज्बा है देश सेवा करने के लिए। इसको जिस प्रकार से पैसे से तुलना की जाती है कि नहीं हमको रुपया कम मिला फिर बाद पेंशन हमको नहीं मिलेगी, अगर आज आपके सामने यूक्रेन और रूस जैसा युद्ध दिख रहा है, अगर वहाँ युद्ध अग्निवीर जैसे योद्धा अगर नहीं होते यूक्रेन में, तो यूक्रेन 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता और धराशायी हो गया होता। तो आज वहाँ ये बात इन नहीं, नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, पहले पूरी बात तो सुनिए हमारी। आप इजराइल देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, रूस देख लीजिए, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं सब जगहों पर, भाई इजराइल में तो 2 साल का है उसके, उस पर तो ना तो कोई पेंशन है, ना कोई जो है उस पर तनख्वाह है, आपको कंपलसरी करना है। यहाँ कंपलसरी नहीं है भाई, अगर आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम है, देश की सेनाओं के प्रति प्रेम है, तो आप जाइए सेना में योगदान दीजिए 4 साल का, तो हम सब लोगों की उम्र आगे बढ़ गई है, वरना मेरा भी सौभाग्य होता। इसीलिए मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चों को अगर ये नियम लागू रहा तो मैं अग्निवीर बनाने काम करूँगा, क्योंकि अग्निवीर बनने के बाद सड़क पर पत्थर नहीं फेंकेगा, सरकारी संपत्ति नुकसान नहीं करेगा, वो देशभक्ति उसके मरते दम तक उसके दिलो दिमाग में रहेगी। यही प्रयास करने के लिए सरकार और देश की सेनाओं ने मिलकर संयुक्त प्रयास किया है, और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि राजनीति हम लोग जीवन भर करते रहेंगे, विपक्ष के लोग जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो हमेशा उठाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई निर्णय राष्ट्रहित में है तो मैं युवाओं, अपने साथी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप इस निर्णय के साथ आइए और सरकार आपके साथ है। ठीक है, आप रूस और इसराइल की बात कर रहे हैं, और आपके विपक्षी के साथी जो हैं वो बवाल काफ़ी काटे पड़े हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, कांग्रेस ने सत्याग्रह तक कर डाला है इस पूरे मामले को लेकर के। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि 3-4 साल फिर जब इनको लग गया कि उत्तर देश की जनता हमको पैदल कर रही है, लगातार 2014 से लगातार सारे चुनाव हार रहे हैं, तो इनको तो मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाना है, भारत की एक अच्छी सरकार जो चल रही है उसको बदनाम करने का काम करना है, और इसीलिए ये तो चाहे हम जो भी निर्णय भारत सरकार ले, मोदी जी कोई निर्णय करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने राशन देने काम किया, उसका इन्होंने विरोध किया, फिर राशन से क्या भला होगा। अरे भाई, सरकार की अपनी जनता के लिए अगर कोई निर्णय करती है तो जनता के हित के लिए करती है, इसमें मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि देश की जनता मोदी जी के साथ लगातार 2014 से अब तक बनी हुई है, इसीलिए बौखलाहट है, लगता है कि अगर ये भी आ जाएगा इसके भी फायदे लोगों को दिखने लगेंगे तो शायद आगे भी नंबर इनका ना आए। लेकिन मैं आप दावे साथ कह सकता हूं, अगर ये लोग ऐसी राजनीति करते रहे तो जीवन में कभी सत्ता में ये लोग नहीं आ सकते। ठीक है सर, प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस हैं। प्रदीप जी, आपने रामनिवास जी से सुना इसके फायदे क्या हैं, उन्होंने ये भी बताया रूस और इसराइल का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उसके बावजूद आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी
के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई साहब, वो बता रहे थे कि मोदी जी जो योजना लेके आते हैं उसका देश में विरोध स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी योजनाएं क्यों लेकर के आते हैं जिनको पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं किया जाता है? आप किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उस पर आपको बैक स्टेप लेना पड़ा, आप समझाने में असफल रहे। क्यों उनसे चर्चा करके ऐसी योजनाएं नहीं लाई आप कि किसान आंदोलन ना करना पड़ता, किसानों को सड़कों पे ना उतरना पड़ता? आप कह रहे हैं उन्हीं किसानों के खिलाफ आपने उनको पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा दिए, आपने उनको तरह तरह के उनके ऊपर केसेस ला दिए, उसके बाद आपने बैक स्टेप लिया, उनसे सॉरी फील किया कि हम आपको समझा नहीं पाए, आपको बैक आना पड़ा। आज आप फिर वही चीज कर रहे हैं, आप उस युवा को समझा ही नहीं पा रहे हैं। उस युवा का पूछना यह है कि 2019 से जब सेना की भर्ती आनी थी वो रुक गई, उस समय उसके बाद पैंडेमिक का सिचुएशन आया, वो रुका हुआ था, वो रेगुलर वैकेंसीज कब आप लाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के किसी एक प्रवक्ता ने यह आज तक नहीं बताया है कि वो रेगुलर वैकेंसीज कब स्टार्ट होंगी। आप ये अग्निवीर बना करके, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप दोनों चीजों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक इस देश का युवा जो है वो देश सेवा करना चाह रहे हैं। रोजगार तो एक अलग चीज हो गई, रोजगार तो हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में वो अपना चाहेगा तो प्राइवेट अपना काम कर लेगा, व्यापार कर लेगा, मगर इस देश का जो युवा है वो ये चाह रहा है देश सेवा। देश सेवा एक बड़ी चीज है, आप उसको रोजगार से जोड़ के देख देते हैं, आप उसको पैसे से जोड़ के देख लेते हैं कि नहीं आपको 4 साल के बाद हम 10-11 लाख दे देंगे। भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10-11 लाख आज की डेट में है, मगर फिर भी वो देश सेवा करना चाहते हैं। आप विदेशों का उदाहरण देते हैं, विदेशों में कंपलसरी किया गया, वहां के लोग जाना नहीं चाहते हैं सेना में, वहां पे वहां के जो प्लेयर्स हैं, वहां के जो एक्टर्स हैं, उनके द्वारा ऐड करवाया जाता है कि किसी तरीके से मोटिवेट होकर के वो लोग आए, मगर हमारा देश, भारत देश का युवा जो है वो अपने जज्बे के साथ वो सालों साल मेहनत करता है। आप देखते होंगे सड़कों पर कभी निकलते होंगे तो देखते होंगे सुबह सुबह लोग, बच्चे आपको दौड़ते हुए मिल जाएंगे, सालों मेहनत करता है वो। क्यों? वो अलग रोजगार नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका जीवन जो है वो देश सेवा के काम में आए। आपको क्या लगता है कि ये जो नियम बना है, मैं ये कह रहा था, आपको क्या लगता है ये जो नियम बना है क्या इस पर स्टडी ठीक तरीके से नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल स्टडी नहीं किया गया। स्टडी किया जाता तो इस तरीके का नहीं आता इनका। देखिए मैं बताऊं, इस देश की अर्थव्यवस्था को 2014 के बाद मोदी जी ने चौपट करने का काम किया है। ये सारा खेल वही है कि किस तरीके से जो लोगों को हटाया जाए। ये कह रहे हैं कि हम बढ़ाना चाहते हैं वहां पे, आप जैसे अभी आप कह रहे थे कि हाँ जो रेशियो है वो बराबर हो जाए, मगर ये क्या चाह रहे हैं कि हर विभाग में, आप जिस विभाग में भी देखेंगे, चाहे वो BSNL रहा हो, रेलवे रहा हो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग आते हैं वहां से या तो उन्होंने बेचने का काम किया या वहां पे जो लोग जो कर्मचारी थे उनको हटाने का काम किया, कंपलसरी रिटायरमेंट का काम कर दिया, एक साथ एक मुश्त ले लीजिए या पेंशन मत लीजिए। मेन उद्देश्य ये है कि इनके पास में इन्होंने पूरा बजट को तहस नहस करके रख दिया है। अब इनके पास में वो बजट नहीं है, चाहते हैं कि बस 4 साल के लिए संविदा कर्मी के रूप में आए, संविदा कर्मी, उसके बाद क्या करेंगे, ठेका प्रथा चालू कर देंगे। जैसे अभी आप देखते होंगे पहले लोग संविदा कर्मी के रूप में काम करते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, आउटसोर्सिंग से लोगों की भर्ती की जाने लगी। तो जो इस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छोड़ा नहीं है। देश सेवा से जुड़ा हुआ मामला है, देश के युवा जो मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है, मगर उन युवाओं से कांग्रेस पार्टी का भी एक निवेदन है कि ये गांधी का देश है, हम गांधी को मानने वाले हैं, उनके विचारों के साथ में चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस देश की संपत्ति को आप क्षति ना पहुंचाएं। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, आप बैठिए, आंदोलन करिए, शांति से गांधी के मार्ग को अपनाइए। और जिस तरीके से गांधी ने इस देश में, जिन्होंने कई वर्षों, कई 100 साल तक शासन किया, उन अंग्रेजों को जब यहां से जाने पे मजबूर कर दिया, तो आप तो इस देश के युवा हैं, इस जो भी सरकार ये फैसला ले रही है उसको मजबूर कर देंगे कि वो बैक स्टेप होगी, ये आप में ताकत है। ठीक ठीक, अनुराग सक्सेना हमारे साथ अरेली से। अनुराग भाई, आप इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं, इस नए नियम को किस नजर से देख रहे हैं? और लगातार विरोध जो है वो युवाओं में बढ़ता जा रहा है, रामनिवास जी ने कई अहम बातें बताई हैं, क्या आप उससे तारुफ रखते हैं? देखिए नितिन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि रामनिवास जी ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्तारूढ़ हुई थी उसके बाद से काफी परिवर्तन आए, और जहां तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की तरफ आर्मी को ले जाने का पहला कदम 2014 से लेके 2020 में तब उठा जब इनकी ऑर्डिनेंस क्लोदिंग जैसी फैक्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर की तरफ से वहां पे भी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम दिया गया और वहां पे ठेका पद्धति के आधार पर लोगों को दिया जाने लगा। OCF शाहजहांपुर में
ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री बनी है, इसी तरीके से कानपुर में भी इनकी फैक्ट्री बनी हुई है। इसके अलावा लखनऊ में जो आपका आर्मी के फार्म हाउसेस हैं, इंडिया भर में जहां तक मैं जान रहा हूँ लगभग 27 फार्म हाउसेस थे जहां पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे। इनने उन फार्म हाउसेस को बंद कर दिया जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों का रोजगार लगा हुआ था, सैकड़ों हजारों गायें होती थी और वहां से भी ठेका पद्धति चालू हुई। धीरे धीरे आज की डेट में जो अग्निपथ या अग्निवीर योजना का ये नाम ले रहे हैं, तो अग्निपथ या अग्निवीर योजना की आवश्यकता क्या थी? सवाल ये, एक हमारे यहाँ अगर सिंपल सिटी के साथ एक सामान्य रूप से कोई कार्य चल रहा है तो जरूरी है आप हर उस फील्ड को टच करें जिस फील्ड से नकारात्मकता का माहौल जाए। राष्ट्रीय हित का विषय वस्तु है सेना, डिफेंस जो होता है वो नेशनल इशू होता है और राष्ट्रीय हित का, राष्ट्रीय हित से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होता है तो जब तक संसद में उस विषय को रख नहीं दिया जाता है तो घर की खेती नहीं है जिसपे आपने अपनी मर्जी से कोई नियम बना दिया और उस नियम को लागू कर दिया। डिफेंस एक नेशनल इशू का सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट में इस पर बकायदा चर्चा होनी चाहिए थी, आफ्टर डेट उसके बाद आप कोई स्टेप लेते तो समस्त राजनीतिक दलों को भी विश्वास में लेकर चलते। ऐसा नहीं है कि हम लोग विपक्ष में तो आपके किसी अच्छे फैसले में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को साथ में मिलकर चलना चाहिए। और एक विपक्षी के नाते मैं आज की डेट में आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक दायरों में रहकर करें और किसी भी तरीके के उग्र प्रदर्शन से कृपया दूरी बनाए रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अग्निपथ या अग्निवीर योजना को लागू किया गया है उसका हम लोग पूर्णतया विरोध करते हैं, उस योजना को से हम लोग कतई भी सहमत नहीं है। रीजन क्या है, आपके द्वारा जो 4 साल के लिए अपनी इस योजना को लागू किया गया है तो 4 साल के बाद जब हमारे यहाँ से उन 4 साल की ड्यूरेशन में आप 1/4 पर्सन को आर्मी के रेगुलर कार्डर मिलेंगे, इसका मतलब है आपने रेगुलर कार्डर की भर्ती खत्म कर दी। इसके अलावा आपने क्या किया, इसके अलावा आपने 50,000 लोगों की जो नियमित भर्ती का कार्डर था उस 50,000 की नियमित भर्ती के कार्डर को भी समाप्त कर दिया। हम लोग आपकी इस योजना का समर्थन करते और खुले मन से और तय दिल से करते। अगर आप ये कहते कि ये जो 50,000 लोगों का आपने कार्डर खत्म किया, इस कार्डर के अलावा अग्निपथ या अग्निवीर सैनिकों को अपने साथ में लेते और कहते कि हम इनको जॉब ऑफर कर रहे हैं तब तो हम उसको मानते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है एनसीसी, एनसीसी में जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको आप लोगों ने कितना जॉब दे दिया। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है हमारे यहाँ के, जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उन भूतपूर्व सैनिकों का जो PSUs हैं उनमें लगभग 10-14% के करीब उनका रिजर्वेशन रहता है। आज की डेट में मात्र 1.5% या कहीं कहीं पे 0.5% के करीब लोग काम कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या काम किया है? इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होते हैं आपने उनमें से कितनों को जॉब ऑफर कर दी? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके की जो मोनोपोली दिखाई जा रही है, जो एकाधिकार दिखाया जा रहा है और इनके द्वारा नव भारत निर्माण के नाम पे जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है जो कि आमूल चूल व्यवस्था है हमारे यहाँ उसके साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में उसी चीज को लेकर आक्रोश है। युवाओं को लेकर जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन, हम लोग नितांत विरोध करते हैं उस उग्र प्रदर्शन का, प्रदर्शन एक दायरे में होना चाहिए। लेकिन आप एक बार बताइए 2019 में जो बच्चा 2019 में भर्ती हो गया था और इंतजार कर रहा था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपने कह दिया उस बच्चे को एडमिशन उसका ज्वाइनिंग उसकी भर्ती निरस्त करके आपने कहा कि आप पार्टिसिपेंट कीजिए अग्निपथ या अग्निवीर योजना के नाम पे। जो 2000 आज जो लेटर वायरल हो रहा मैं नहीं जानता उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन उस पे जो साइन है और अथोराइज्ड साइन है अगर मैं उस लेटर को वास्तविकता मानता हूं तो 17 जून 2022 का एक लेटर है अग्निपथ योजना के दिन वायरल किया गया और उस लेटर में बकायदा ये बात लिखी हुई है, मेरे पास वो लेटर की कॉपी है, आप चाहे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं जी। उस लेटर की सच्चाई आपको परखनी होगी, लेकिन अगर उस लेटर की सच्चाई ये है उस लेटर में ये बात लिखी हुई है बकायदा कि 2019 में जो लोग आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं अगर वो नायक पद पे प्रमोट नहीं हुए हैं, नायक पद पे उनका प्रमोशन नहीं हुआ है तो वो भी अग्निपथ योजना के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है जो बच्चे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे आपने उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया, जो लोग आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी भविष्य आपने खिलवाड़ कर दिया। आप भारत की जनता को देना क्या चाहते हो? राष्ट्रवादी हम सब लोग हैं, मैं भी कहता हूँ जय हिंद जय भारत, हमारे लिए भारत का संविधान और भारत की सेना सर्वोपरि है, लेकिन छदम राष्ट्रवाद नहीं चाहिए हमको, चाहिए वास्तविक राष्ट्रवाद जिस वास्तविक राष्ट्रवाद में सर्वधर्म संभाव की भावना हो, सब में प्रेम हो और सब लोग एक दूसरे के साथ बढ़ सके। ठीक है, मैं आता तारिक का नमस्कार सपस है। तारिक भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी विरोध जताया है, युवाओं ने भी लगातार विरोध जताया है, रामनिवास जी कह रहे हैं कि जहां पर विपक्ष मजबूत है वो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है,
आप इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं? लगातार इस फैसले में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्या इस फैसले को लेने से पहले बेहतर तरीके से स्टडी नहीं हुई थी या स्टडी होने के बाद ये फैसला लिया गया? कुछ बदलाव की जरूरत है इसमें? देखिए, मैं भाजपा का काम करने के थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। ये जीएसटी लेके आए, उसके बाद उसमें कई बार इन्होंने संशोधन किया। क्या होमवर्क नहीं किया था या प्रभावित होने वाले लोगों से संवाद नहीं किया गया था? सेम इनका जो पैटर्न था वो किसान बिल में भी था। कई बार मीटिंग हुई मगर तय नहीं हुआ, फिर वापस लिया। अब यहाँ पर भी जो समस्या लेके आ रहे हैं वो पहले समस्या विपक्ष से नहीं आई है, पहले समस्या उन छात्रों से आई है जिनको दो चीजें लग रही हैं। एक तो वो अब सेना में जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि पहले 21 और अब 23 पार हो गए हैं वो, और दूसरा जो लोग जाएंगे भी तो वो कितना सिक्योर रहेंगे? इस प्रॉब्लम को बीजेपी एड्रेस करने में फिर सक्षम नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? एक बार मंत्री एड्रेस करते हैं फिर सेना के अध्यक्ष एड्रेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फंडामेंटल राइट जब मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी होगी वो ऑटोनोमस बॉडी जो आरबीआई है उसका राइट बनता है मेरे लिहाज से, मगर फिर भी वो प्रधानमंत्री है, कह सकते हैं, रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय उसको विपक्ष पे डालना ये और गैर जिम्मेदारी की बात है। मैं जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरीके के वॉयलेंस से उनको हल नहीं मिलेगा, हल जो प्रक्रिया है उसी तरीके से मिलेगा। मैं बताता हूं कि इन्होंने प्रक्रिया को और टफ बनाने की कोशिश हो रही है। 2014 से लेकर मोदी सरकार जब तक थी आपने एवरेज भर्ती 40,000 की है। जब आपकी एवरेज भर्ती 40,000 की है, अब आप कह रहे हो पहला जत्था 30,000 या 36,000 का जाएगा जैसे कल परसों सेना प्रमुख ने कहा, तो इसका मतलब है जो परमानेंट वाले उसके 25% जाएंगे, तो इसका मतलब अब आप 10,000 का इंटेक लेने जा रहे हो। फिर आपने ये कहा कि हम बढ़ाते रहेंगे, उसको 1,00,000 कर लेंगे, 5,00,000 कर लेंगे या 10,00,000 कर लेंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो देखनी चाहिए कि वो जो लड़के इसको ट्रांजिशन स्टेट में आपने लेके आए। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे इसराइल में कुछ नहीं मिलता है, तो मैं बता दूं कि उनको जो पॉकेट मनी मिलती है वो यहां से लगभग डबल है। सिर्फ पॉकेट मनी दी जाती है, वहां पर नौकरी करने का भत्ता या सैलरी नहीं दी जाती है, उसको वो पॉकेट मनी कहते हैं। आप दुनिया के ट्रेंड को देख लीजिए, वहां का जो भी पैटर्न है वहां की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहां की 30 लाख मतलब 3 करोड़ की जनसंख्या सऊदी अरब की, वो लगभग हमारे बराबर मिलिट्री बजट पे खर्चा करता है, तो वो एक डिफरेंट मैटर है डिस्कशन का। मगर अभी जो समस्या है वो सीधे सीधे छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी करने वाले कौन लोग हैं? ये सिर्फ वो लोग हैं जो गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, किसान हैं, इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि कल को लड़का हमारा मिलिट्री चला जाएगा। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, मैंने देखा है लोगों को सुबह सुबह दौड़ते हुए, तो पूछते थे कि क्या भैया सवेरे सवेरे कहाँ निकल लिए भैया, तैयारी कर रहे हैं जाना है मिलिट्री में। बात प्राइड की भी है और बात भविष्य की सुरक्षा की भी है, उनकी सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप में से बहुत से लोग छटनी कर दिए जाएंगे, आप छटनी कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनका रोडमैप नहीं तैयार किया आपने, जल्दबाजी में आप ले आए इस स्कीम को। अब रोडमैप बताया जा रहा है कि कहीं यहां पर 10% दे देंगे सेंटर की, इसमें दे देंगे, उसको क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है कि वो जो लोग निकलेंगे वो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो उनके उनका डिमोटिवेशन क्या, इसके लिए साइकेट्रिस्ट लोगों से बात की गई कि उनका डिमोटिवेशन लेवल कहां पे होगा, कि क्या उनके अंदर ये भाव आएगा कि वो रिजेक्टेड है या उनको बहुत सम्मान दिया जाएगा कि बहुत से जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको बुलाएंगे कि यहां कर लिए, जैसे भाजपा के एक नेता ने कह दिया कि वो गार्ड बन जाएंगे जाके, अरे गार्ड क्यों बनेंगे, उससे अच्छी वो नौकरी पाएंगे। लेकिन ये जो लोग तैयारी करते हैं ये वाले, इनके पास बहुत पैसा नहीं रहता है नितिन भाई, ये गरीब लोग रहते हैं, ये मेहनती, ये किसान के बेटे हैं, ये वो नहीं है जो जाके पढ़ाई करके और कर्नल और ब्रिगेडियर और बड़े बड़े अधिकारियों का एग्जाम देंगे और वहां जाकर बनेंगे, ये वो मेहनत करके सेना में जाना चाहते हैं ताकि जो सम्मान मिल जाए और परिवार को सिक्योरिटी मिल जाए। लड़का वहां से लौट के आएगा तो भाई जो सेना में रहता है उसकी शादी भी होती है, पता चला जो अग्निवीर लौट के आएगा उसकी शादी में भी दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। आप इसको कहीं पर एक बार ट्रायल बेसिस पे करते, आपने कोई ड्राफ्ट कमेटी बनाई, लोगों को बुलाया कि आइए संवाद करते हैं, अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद भी जो स्टेटमेंट है वो भी कड़ा है, लेकिन हिंसा उसका हल नहीं है। लास्ट में मैं कह रहा हूं
हिंसा हल नहीं है, किसी फोरम पे आए, किसी पटल पे आए, बैठ के बात करें। ठीक है, शिवम शुक्ला हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। शिवम भाई, आपने सबकी बात सुन ली और अब आपका क्या मत है, क्योंकि हम लोग ने भी कुछ दिन पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी और उस दिन भी बहुत अहम चर्चा हुई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर के, कई सारी बातें आपने रखी थी। धीरे धीरे सरकार जो है वो नियमों में बदलाव कर रही है, क्योंकि अभी सरकार ने बताया कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और जो असम राइफल्स है उसमें भी 10% आरक्षण दिया जाएगा भर्तियों में। रक्षा मंत्रालय की जो भर्तियां होंगी उसमें भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। डिफेंस पब्लिक जो सेक्शंस है या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड है या फिर इस तरह की जो 16 कंपनियां हैं उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। ये भी बताया गया है कि जो कैंटीन की सुविधा, जो मेडिकल की सुविधा, जो पहले नियम नहीं था जब इस स्कीम को शुरू किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी इसमें जोड़ा जा रहा है, तो ये धीरे धीरे क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए नितिन जी, मैं आपके माध्यम से ये बात अपनी सभी के सामने रखना चाहूँगा कि ये जो अग्निपथ स्कीम आई है इसको लेकर मुझे लगता है जिस हिसाब से हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, जितने भी लाइक हमारे आर्मी चीफ हैं एंड नेवी चीफ हैं एंड आपका एयरफोर्स चीफ है, तो इन लोगों जब ये सभी लोग और साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर आए और उन्होंने एक 14 जून को लाइक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइक वहाँ पे कंडक्ट किया और जब इस नोटिफिकेशन को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सभी के इस देश के सामने रखा, युवाओं ने उसको सुना। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जिस हिसाब से मैं अब देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी चीज़ों में बदलाव हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये इन चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं या फिर ये चीज़ें ऑलरेडी रखी गई थी पहले से ही इस पॉलिसी में और वो चीज़ें अब रिवील हो रही हैं, लोगों के सामने आ रही हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है कि ये स्कीम काफ़ी हद तक बहुत अच्छी भी है और हर चीज़ के देखिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें शामिल हो जाती हैं और कुछ चीज़ों में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो अग्निवीर स्कीम जो लाई गई है, ये स्कीम एक सोची समझी सारी स्कीम बनाई गई है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको बहुत ढंग से क्लेरिफिकेशन लोगों के सामने नहीं कर पाई है गवर्नमेंट एंड इसमें थोड़ा सा कहीं कोई चूक रह गई है मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ ये भी कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हैं जिसमें मुझे लगता है अगर थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए तो शायद ये बच्चों के लिए बहुत भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे जिनका ये टेन्योर है, तो टेन्योर जैसा कि मैंने उस दिन भी बोला था कि ये जो 4 साल का टेन्योर है ड्यूटी का, ये थोड़ा सा कम है, अगर इस टेन्योर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता तो शायद बच्चों में एक सेटिस्फैक्शन रहता। दूसरी बात, ये जो पेंशन को खत्म किया गया है, देखिए दूसरे देशों में क्या हो रहा है इससे चीजें हमें सीखनी तो चाहिए, लेकिन उसको लागू करना जरूरी है या नहीं ये हमारे विवेक पर काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि इसमें जो पेंशन को लेकर चीज़ें हैं वो थोड़ा सा और कहीं ना कहीं थोड़ा अगर बदलाव कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहता। और साथ ही साथ जैसे कि ये कहा जा रहा है कि हमारी भारतीय फौज को एक युवा बनाने का काम किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें युवा तो आप बना रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या, मैं थोड़ी सी चीज़ में एक क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा। जैसे कि उस दिन भी मैं आया था और मैंने बोला कि युवा बनाने से ज़्यादा कहीं आप बूढ़ा बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे ये चीज़ लगी कि लाइक आप 4 साल के लिए जो चीज़ों को दे रहे हैं, लाइक उनका जो टेन्योर आपने रखा है वो टेन्योर थोड़ा सा अगर आप बढ़ा देते तो चीज़ें सच में बहुत अच्छी हो जाती। और दूसरी बात, इसको ऐसा किया क्यों जा रहा है, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए हमारी जो भारतीय फौज है, जो इंडियन आर्मी है, वो बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके वो जॉब करते हैं, सर्व करते हैं, और जैसा कि ये हम सभी जानते हैं कि ये देश की सेवा से कहीं ज़्यादा ये सुरक्षा का मैटर है। सो बेसिकली जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे काम करते हैं और अगर आपकी एज उस लेवल पे आपकी एज फिट नहीं बैठती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज़ होती हैं जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं उम्र को लेकर या उनके लाइक जो मेंटल स्टेटस है या फिर उनके फिजिकली जो चीज़ें उनके लिए होती हैं वो कहीं उनके एडवर्स हो जाती हैं। तो मुझे लगता है शायद ये हमारे जो ये अग्निवीर होंगे ये वहाँ पर काफ़ी हद तक हमारे काम आ पाएंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात देखिए, जो सोच के काम किया गया है वो
ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के बारे में और सोच लिया जाता, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनके लाइक फ्यूचर के बारे में, तो शायद चीजें जो ये दंगे फसाद ये बच्चे कर रहे हैं शायद ये नहीं करते। दूसरी ये भी है सर कि देखिए जो दंगे फसाद जो बच्चे कर रहे हैं ये बहुत 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 गलत है, और ये दंगे फसाद मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे अग्निवीर हैं, क्योंकि अग्निवीर तो अपनी देश की सुरक्षा करने जा रहे हैं, वो अपनी देश की संपत्ति को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है कि जो नॉन लाइक ये जो वायलेंस हो रहा है इसमें किसी दूसरे का भी हाथ हो सकता है, या उनको जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स वाले हैं जो उनको इस चीज को लेकर भड़का रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और देखिए हम आप एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो मुझे लगता है हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट की अगर कोई भी पॉलिसीज हमें ठीक नहीं लग रही है उनमें हमें अमेंडमेंट चाहिए, तो हमारे विरोध करने का एक तरीका दूसरा होना चाहिए, ना कि जो अभी इख्तियार किया जा रहा है तरीका ये होना चाहिए। ठीक है रामनिवास जी, सबकी बातें आपने सुनी, सब कह रहे हैं कि आप लोग जो भी फैसला लेते हैं वो कहीं ना कहीं कम ही रहता है, धीरे 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 करके आप लोग उसमें चीज़ें जोड़ते जाते हैं, चाहे GST हो या किसान बिल हो या फिर अभी ये, क्या कहेंगे? नहीं नितिन जी, निश्चित रूप से कोई अगर नई योजना लागू होती है तो तमाम उसमें अमेंडमेंट की संभावनाएं रहती हैं। भाई जब कोई योजना पहली बार लागू की गई तो उसका कितना प्रभाव, किसका कितना दुष्प्रभाव, तो देख के सरकार जनहित में जो भी उचित रहता है करती है। ऐसे भी जब इस सदन महोदय बता रहे थे कि सरकार ने क्लियर नहीं किया, सर सरकार ने क्लियर किया, भाई सरकार घोफड़ा की, 3 दिन बाद उसका ऑर्डर आना था, ऑर्डर आने के पहले ही प्लांट करके जो है दंगा करा दिया गया। आपने देखा कई कोचिंग वालों नाम आया और लगभग 11 से 1200 लोग पूरे देश में गिरफ्तार हुए हैं, उसमें करीब 900 राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, 300-400 लड़कों को से कोचिंग के नाम आए, उनके नाम भड़का दिया गया उनको, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में युद्ध आज की डेट में जो माहौल बन रहा है, अगर आप देखिए हम अपने आँखों के सामने देख रहे हैं, अगर यूक्रेन में अगर वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त हुए, अगर वहाँ के लोग नहीं होते तो शायद वो कभी टिक न पाते। भाई जिस तरह वहाँ सरकार ने सबको हथियार बांटा, सबको गोलियाँ बांटा, रूस कई बार कोई जिला कब्जा करता है बांध छोड़ भागता है, कोई सैनिक उसके मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सरकार ने सोचा कि आने वाले भविष्य में कोई अगर ऐसी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे देश में भी ऐसे 10-20-50 लाख रिजर्व सैनिक जिनको हम कहते हैं वो रहेंगे देश के अंदर, तो कहीं कोई समस्या आएगी तो उनको हम यूज कर सकते हैं। और रही बात अगर कहीं कोई समस्या आती है, ये विपक्ष के मेरे साथी हैं, तमाम युवा साथी हैं, अभी उस पर विषय कर लें, उस पर चर्चा कर लें कि हाँ ये विषय इसमें ठीक नहीं, इसको आगे घटाया बढ़ाया जाए, लेकिन सीधे दंगा करा देना, ट्रेनें फूंक देना, बसों फूंक देना, ये कतई सरकार स्वीकार नहीं करेगी। जो भी इसमें शामिल होगा, पहली बात तो कोई जो सेना से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। जो भी शामिल होंगे सरकार उनको बख्शेगी नहीं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति होगा उसको बेनकाब करने का काम करेगी। और जो भी हमारे युवा साथी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इन लोगों की बहकावे मत आइए, देश आपका है, सारी संपत्तियाँ आपकी हैं, भविष्य में आपका ही रहना है। आज आप तोड़ दोगे, जला दोगे, किसी की हत्या कर दोगे, जीवन भर का आप कलंक लग जाएगा, आप किसी भी लायक नहीं रहोगे, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं आपको आगे करके अपना उल्लू फिदा करके निकल जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि तमाम युवा साथी जिनको लगता है कहीं कोई समस्या है जानकारी कर लें, तमाम रक्षा विशेषज्ञ हैं जगह जगह पे लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात कर लें, क्योंकि कोई भी सरकार अपने देश के खिलाफ निर्णय करने में कभी नहीं विश्वास करती है, जो भी निर्णय करती है देश हित में, युवाओं के हित में, और यही सरकार मोदी जी की लगातार कर रही। ठीक है प्रदीप जी, देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब आकर के चर्चा कर लें, विपक्ष पहले सड़कों पे नहीं उतरा है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं, दंगे, मैंने कहा ना कि 900 राजनीतिक दंगे फसाद कर रहे हैं, तो उन राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में डिटेल देनी चाहिए कि किस पार्टी से जुड़े हैं, कहीं वो भाजपा से ही जुड़े तो नहीं है, RSS के लोग ही तो नहीं है, जिनकी ये मानसिकता रहती है इस गांधीवादी देश में, जब आप संसद में उस व्यक्ति को बैठाने का, उस महिला को बैठाने का काम करते हो जो गांधी के ऊपर गोली चलाने का काम करती है, उनकी तस्वीर के ऊपर गोली चलाने का काम करती है, तो प्रेरणा स्रोत तो आप ही होते हो। ऐसे लोगों को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, ऐसे लोगों को मैं कुंडा, देखिए आपकी बात, युवा भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे पूरी अपनी बात कर लेने दीजिए, मुझे अपनी बात कर, देखिए आप आधे से ज्यादा कांग्रेस के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लोग हैं। प्रदीप
देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर पूरी बात करूँ, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि आज जिसने गांधी की तस्वीर पे गांधी की हत्या कर, नहीं नहीं जिसने, मैंने बोला ना, मैंने महात्मा गांधी की हत्या नहीं, ना ना ना, मैंने बोला जिसने गांधी की तस्वीर पे, नहीं आपके नेताओं ने भारत माता को डैम कहते हैं, आपके तमाम गलत चीजें बोल रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं आप, आपसे प्रेरणा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उनका आपका नाम ओपन करना चाहिए था कि कौन, मैं वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है आपने कहा 900 लोग मिले राजनीतिक पार्टी, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के ना हो, आरएसएस की प्रेरणा से हो, या आपके किसी संगठन के लोग हो सकते हैं जो आकर के इस तरीके की जो दुर्व्यवहार है, क्योंकि वो सीखते आपसे ही हैं। कांग्रेस पार्टी का काम क्या है, कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के रास्ते पे चलती है, कांग्रेस पार्टी गांधी के दिखाए रास्तों पे चलती है। आज भी हम हैं, अगर हम आज बैठे हुए हैं छात्रों के समर्थन में बैठे हुए हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस संपत्ति को नुकसान कर दीजिए, हम कहीं से ये नहीं कहते, हम उन लोगों के साथ में कतई नहीं हो सकते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। आज भी सुन लेते, फिर आ रहा हूं आपके पास। हां रामनिवास जी, नहीं प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सत्याग्रह करती है, मैं तो दावे साथ कह सकता हूं कि देश विरोधी जितने काम होते हैं उसमें कांग्रेस हाथ होता है। बटला एनकाउंटर हुआ, इनकी नेता फूट फूट कर रोई आतंकवादियों के मरने पे, कसाब को फांसी, अफजल को फांसी हुई, इनकी पार्टी लोगों ने उसकी आलोचना की, उसको बचाने का भूल जाते हैं, बिना प्रोग्राम पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, उनको बचाने भूल जाते हैं, रात रात भूल जाते हैं कि ऐसा को यहां पे ला करके आप यहां पे, मेरा आपसे आग्रह है कि कौन लेकर के आया, आप भूल जाते हैं, सुनो उसे मेरा आग्रह है, आप भूल जाते हैं कांग्रेस के धारकों को, आप भूल जाते हैं कि जो कांग्रेस का हाथ, आप भूल जाते हैं विरोधियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है भ्रष्टाचारियों के साथ, किस तरीके से सेना, सेना को मोरा बना करके सेना के नाम पे वोट लेना, सेना के नाम पे देश में सत्ता हासिल करना चाहती है, सेना के नाम पे अगर कोई राजनीति करता है देश में, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, सेना के नाम पे वोट लेने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, सेना के शौर्य को भारतीय जनता पार्टी का शौर्य बता करके अगर कोई वोट लेना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में सबसे नंबर वन आएगी। आप बात करते हैं, आप अभी बात कर रहे थे कि हाँ हमारे दो बेटे हैं, ठीक है आपके बेटे हैं, आप भेजिए अग्निवीर बनने के लिए, आप कह रहे हैं कि अग्निवीर बनने के बाद वो आ जाएंगे, भाई आप हैं, बता रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी उनको यहाँ पे बड़े ऑफिस बना डाले हैं, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ऑफिस बनाइए, ब्लॉक स्तर पर ऑफिस बनाइए, वहाँ उन अग्निवीरों को लगाने का काम करते हैं, भाई वो अग्निवीर नहीं, वो सेना के, जो सेना में शौर्य के साथ में नौकरी करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं सम्मान के साथ में इस देश में नौकरी समाप्त करने के बाद जीवन जीना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहलाना चाहते हैं, आप इस देश को देना क्या चाहते हैं, शर्म आती है कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान पे, मैं तो मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ऐसे नेता को तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए जो सेना के शौर्य को भारतीय जनता पार्टी की चौखट पे एक सुरक्षा गार्ड बना करके रखना चाहता हो। ठीक है अंकुर सक्सेना, अंकुर भाई जी, रामनिवास जी कह रहे हैं कि कभी अगर इसराइल या फिर रूस जैसे हालात हमारे देश में आ जाए तो हमारे पास भी 30-40 लाख 50 लाख ऐसे लोग हों जो हथियार चला सके, और इसी वजह से इस तरह की योजनाओं को शुरू किया जा रहा ताकि सब ट्रेंड रहे, तो क्या खराबी है, सही तो है, अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। नितिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से लेकर 2020 तक लगातार अभी तक सीना ठोक के ये कह रही थी कि हमने भारत को इतना मजबूत बनाया है कि कोई विदेशी शक्ति हमारी तरफ आंख उठाकर बाहर का व्यक्ति नहीं देख सकता था, क्या उनको एहसास हो गया है कि उनके शासनकाल में हमारी भारत की जो व्यवस्था है वो खोखली होती चली गई है, या विदेशी आक्रांताओं का जो इनने भय क्रिएट कर रहे हैं आम जनता पर वो 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। दूसरी बात, आप किसी को सेना में ले रहे हो, अग्निवीर नाम दे रहे हो, सबसे बड़ी बात है क्या अभी डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इनने एक शब्द कहा कि भर्ती को लेकर अच्छाई और बुराई दोनों पहलू को इनने इंगित किया, अग्निवीर जिसके नाम के आगे लिख जाएगा उसके नाम के आगे तो सैनिक नहीं लिखा जाएगा जो अग्निवीर के रूप में है, क्योंकि उनने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो सैनिक के तौर पे नहीं, उनका नाम ही अग्निवीर कर दिया गया है। अब सवाल है कि जब सैनिक नहीं रह गए, अग्निवीर के तौर पर आपने बनाया, 4 साल के बाद जब कोई पर्सन आर्मी से बाहर आएगा उसमें लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, आर्मी की सर्विस तो मानी जाती है, आपकी डिफेंस की सर्विस जो होती है वो सबसे गोपनीयता की कॉन्फिडेंशियल सर्विस होती है, सबसे प्राउडिंग मूवमेंट वाली जॉब होती है, जब आप आर्मी की जॉब से 4 साल बाद कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसको क्या बनाओगे समाज में लाके, 25% 1/4 कोटे में जो भर्ती हो जाएंगे वो तो चलिए कुछ समय तक बाद रिटायर होंगे, लेकिन विद इन 4 ईयर्स
जॉब करने के बाद जो बाकी के लोग बचेंगे बाहर आएंगे उनको क्या बनाएंगे। आज ही भारतीय जनता केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, शायद आप लोगों ने देखा हो, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आर्मी की सर्विस में जब ये जो अग्निवीर भर्ती होंगे इनको हम बार्बर की ट्रेनिंग देंगे, इनको हम ड्राइवर की ट्रेनिंग देंगे, इनको हम और भी माली वाली ट्रेनिंग देंगे। तो कहीं ना कहीं आप हमारे देश को क्या देना चाहते हो मेरे भाई, एक सैनिक को आप ट्रेनर बना के आप इस तरीके की है। बकायदा मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मेरे पास उसकी कॉपी है, आप चाहे तो मैं व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ, उसमें आप ये चीज बकायदा लिखित में दे रहे हैं। आप हमारे सैनिक को जिसको हम लोग सम्मान की दृष्टि से हमेशा देखते हैं, सबके काम अलग होते हैं, मैं खुद जानता हूं, मैं भी कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे ये बात बखूबी पता है कि वहां पर हर पोस्ट का व्यक्ति होता है, लेकिन बाहर आता है तो वो केवल फौजी कहलाता है। ये हमारे लिए प्राउडिंग मूवमेंट होता है, आप उनमें भी डिस्टिंक्शन कर दे रहे हैं। दूसरी बात, इतनी देर से डिबेट में ये चर्चा चल रही है कि फॉरेन कंट्रीज में इंसेंटिव मिलता है या नहीं मिलता, आप लोगों को पूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज में कंपलसरी एजुकेशन है, आर्मी एजुकेशन कंपलसरी है, और जब कुछ कंट्रीज में जहां पे कंपलसरी आर्मी एजुकेशन है तो वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का लड़का भी जाता है युद्ध में पार्टिसिपेट करने, अमेरिका के भी लोग जाते हैं युद्ध में पार्टिसिपेट करने, तो उनका जो मॉरल होता है वहां हर व्यक्ति सैनिक है। मैं हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी प्रथा है, एनसीसी जैसी चीज है, यहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाता है, शुरुआती में आप 8th क्लास से पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनसीसी में, लेकिन आगे उनका कोई स्कोप नहीं है। सी सर्टिफिकेट वाले हजारों लोग हमारे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कितने बंदों को रोजगार दिया गया है आज की डेट में, आप बताइए। टेरिटोरियल आर्मी का भी प्रोविजन है हमारे यहाँ की कोई किसी जॉब में किसी भी पर्सनल प्रोफेशन में हो आप उसको 3 साल 2 साल 4 साल के लिए आप बकायदा आर्मी में जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एक खासियत है, वो ये है कि वो नया नाम नया कलेवर देके पुरानी चीज को प्रस्तुत करती है और उसको शो ऐसे करती है कि हमने कोई बृहद योजना आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर दी। मेरे भाई आप लोग प्रस्तुत करिए, लेकिन कम से कम आम जनमानस को शोषण तो मत कीजिए। 4 साल के लिए जब कोई बच्चा बाहर जाएगा और उसके हाथ में हथियार आ जाएगा और भगवान ना करे भारत के को किसी युद्ध की विभीषिका में पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो आप मेंटल लेवल देखिए उसका क्या। दूसरा, अभी डिफेंस एक्सपर्ट महोदय बोले कि कुछ जगह पे फिजिकली फिट लोग चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो अब जब उनकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे आप, उनकी पोस्टिंग आप सियाचिन जैसी जगह पे कर देंगे, उनकी पोस्टिंग आप कर देंगे चीन के बॉर्डर पे, उनकी पोस्टिंग कर देंगे आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे। 4 साल हमने उसका युवा अवस्था का भरपूर एक तरीके से देखा जाए यूटिलाइजेशन कर लिया, जब हमने उसका भरपूर यूटिलाइजेशन कर लिया उसके वो बाद आएगा, फिर तो वो हो सकता है कि इतना मेंटल स्ट्रेस में आ जाए, इतनी मारकाट देख ले, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े देख ले कि वो फिजिकली इनफिट हो जाए, अनफिट हो जाए, समाज में उसका लोगों के साथ जीवन यापन करना मुश्किल हो जाए। आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि कम से कम ये 4 साल का जो आपका टेन्योर है इसको कुछ नहीं तो स्थायीकरण के रूप में लगभग 8 साल का करना चाहिए। आपको किसी ये नहीं होना चाहिए कि युवाओं का आपने शोषण कर लिया, युवाओं के जो कहते हैं कि जोश वाला जो युवा जोश है उसको आपने अपने लिए यूटिलाइज कर लिया और बाद में उन्हें ताश के पत्ते के 52 पत्तों की तरह बिखेर दिया। हमारी भारत की सेना पे हम लोग प्राउड करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि अंकुर भाई, अंकुर भाई, रामनिवास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई जवाब है उनके पास? रामनिवास जी नहीं, अंकुर जी ऐसे विश्लेषण कर रहे थे जैसे लग रहा है कि सारी जानकारी इन्हीं को है। भाई देश की सारी भर्तियां सेम चल रही जैसे चल रही है, उसमें कोई व्यवधान नहीं, ये तो एडिशनल भर्तियां हैं, इसमें भी 25% माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको शायद अभी नॉलेज नहीं है फिर इस बारे में। एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ, आपने जो कहा रेगुलर वैकेंसी अभी बराबर चल रही है वो नहीं चल रही है सर, 2 साल सारी वैकेंसी खत्म कर दी गई है। आपने एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप वैकेंसी खत्म की, अग्निवीर के साथ लेने जा रहे हैं, आपने नेवी एसएसआर एंड डबल ए की भर्ती को खत्म किया, रेगुलर भर्तियां चल कहां चल रही है सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सेना के अलावा बताइए, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप
के बारे में बात डेढ़ साल में करने एयर फोर्स एक्शन भाई है। अच्छा ठीक, मैं आपकी बात मान रही है एक और ये जो बच्चे जिन बच्चों का भाई आपकी इच्छा है तो आप जाइए, आप एक मिनट मेरी बात नहीं तो मत जाइए, बात सुनेंगे आप भाई। हमें कह रहा हूँ कि तमाम बीटीसी तीन साल चार साल करते हैं, आप क्या नौकरी गलत जा रहे हैं सर, आप तमाम गलत जा रहे हैं, पांच पांच साल करते हैं, आपको पता ही नहीं अभी हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं भाई। ये तो देश मेरी आप एक बात का जवाब जुड़ा हुआ विषय है सर, देखिए मैं सर क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जुड़ा हुआ विषय है देश से जुड़ा हुआ विषय, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, पैसे का कोई विषय ही नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, आपने अभी कहा चार साल की सेवा है सर, देखिए मुझे आपको समझ में आ गई, करिए नहीं तो अपना और काम करिए, मुझे इस स्कीम से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने जो बात अभी रखी कि सारी वैकेंसीज एडेसिव चल रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वैकेंसीज वैसी की वैसी चल रही हैं, तो जो बच्चे अभी एयर फोर्स एक्शन वाई ग्रुप का रिजल्ट आना था उसको रद्द क्यों किया गया, जो आपका नेवी एसएसआर एंड डबल ए का रिजल्ट आना था उसको रद्द आपने क्यों किया, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी उनका आपने सिलेक्शन क्यों रद्द किया, उसके बाद अब आप ये भी कह रहे हैं कि एएफओस एक्सवाई ग्रुप नेवी एसएसआर एंड डबल ए और जो भर्तियां भी आ रही थी वो ना आकर वो सब सम्मिलित हो गई हैं आपकी अग्निपथ स्कीम में, अब इसका क्या जवाब है आपके पास? और नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने बोला ना परमानेंट जॉब भाई कुछ जानकारी पूरी नहीं, आपने कहा ना अभी जवाब सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब अभी केंद्र सरकार ने एक 15 दिन पहले 10 लाख भर्तियां कहा डेढ़ साल के अंदर हम करेंगे, घुबड़ा किया था ना, अरे मैंने कहा क्योंकि आपको जानकारी, ये 10 लाख भर्तियां अलग है, अग्निपथ अग्निवीरों की भर्तियां अलग है। बताइए सर एफओसी की भर्ती का क्या हुआ? नहीं मैंने आपसे कहा ना कि भाई 2 साल कोरोना था, अरे सर अभी का बताइए ना, आज के फिटनेस से बड़ा अंतर है, ठीक है मान गया मैं आपकी बात, तो क्या आप नई भर्तियां होंगी उसमें? नहीं नहीं जो बच्चे जाएंगे उनकी भर्तियां हो जाएंगी, एफओसी की भर्ती चलती नहीं, सेक्रेटरी का बयान सारी भर्तियां होंगी सारे विभागों में हो रही है, तो समस्या आपको एफओसी की भर्ती रेगुलर होती है अभी तक? नहीं 2 साल की समस्या थी भाई, कोविड की समस्या थी सर, आप कोविड को तब तक कब तक आप सेना भाई आपको कोई बात सुननी नहीं, अपने आगे बात रखनी, मैंने कहा ना कि 2 साल से भर्ती पार्टी से बिलोंग नहीं करता सर, लेकिन आप फौज के तरफ से बात करूं, फौज में है लेकिन आप जानकारी पूरी रखिए, मैंने कहा ना मतलब मुझे जानकारी नहीं, जानकारी आपको अगर होती तो बात कहनी चाहिए थी कि अभी केंद्र सरकार ने 10 लाख भर्तियां भर्ती करने का ऐलान किया 1.5 साल के अंदर, 15 दिन पहले स्कीम के थ्रू नहीं, मैंने कहा ना आप जानकारी करिए, अरे सर आप ये लीजिए मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल के अंदर 10 लाख भर्तियां करने का आदेश दिया है, ढिंढोरा किस चीज का पीट रहे हैं आप, है क्या ना क्या आपको जानकारी नहीं, सेल्समैन बैठे हैं भाई आप, सेल्समैन बैठे हैं आप, जानकारी आप पूछ रहा हूँ, जानकारी के मैंने कहा ना देश के सारे केंद्रीय विभागों में, देश के सारे केंद्रीय विभागों में 10 लाख भर्तियां सर, मैं बाकी अग्निवीरों का नाम बताइए, देश के सारे विभागों में, नहीं राम निवास जी का ये कहना है कि अलग अलग विभागों में 10 लाख भर्तियां जो है वो सरकारी की है, फौज में नहीं है, ये फौज में नहीं है, फौज में नहीं है, मैं सब पूछ रहा हूँ, नहीं 10 लाख भर्तियां देश के बाहर तो लोग आएंगे नहीं, सर रहेंगे देश की युवा उसमें आएंगे ना, ये फौज की जो नौकरी है 10 लाख भर्तियां आजादी के बाद पहली बार यहाँ भर्तियां एक साथ होने जा रही है, यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, देश की युवाओं को भड़काने का मत करिए, देश में युवा रहने दीजिए, मामले की बात नहीं है, आगे आने दीजिए सर, ये रोजगार का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है, आप रोजगार का ढिंढोरा मत पीटिए यहाँ पर, आप देश की सुरक्षा से रिलेटेड बात कीजिए, क्यों बात कर रहे हैं किसने पैसा बढ़ाइए पेंशन दीजिए, अगर आपको लगता है, नहीं नहीं आपको लगता है ना भाई, मैंने कहा ना स्वैच्छिक है, मैं बता चाहिए पेंशन होनी क्यों चाहिए, बात जानना चाहता हूं, क्यों नहीं चाहिए जी, एक मिनट मैं सर आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ, आपने मुझे सिर्फ एक बात अभी आपने अपने बयान में बोली कि आपकी जो जैसी भर्तियां चल रही थी वो रेगुलर चल रही है, आप मुझे बता दीजिए एयरफोर्स की भर्ती का क्या हुआ, और सर ये प्रॉपर स्टेटमेंट है कि जो भर्तियां पहले थी अब वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू होंगी, पहले आप अपनी जानकारी खुद लेके आइए, बाद में यहाँ पे बात कीजिए, कैसी बात कर रहे हैं, और मैंने कहा ना जी जब बड़ा सेक्रेटरी लोगों को उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, उसमें भी है उसमें भी तो देश की युवा जाएंगे सर, यहाँ जिस तरह युवाओं को बुलाने काम किया जा रहा है, सिर्फ रोजगार की बात करेंगे और क्या क्या होगा भाई, आप पेंशन की बात कर रहे हैं भाई, विपक्ष के मेरे साथी कह रहे हैं उनको पेंशन दीजिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, देश प्रेमी सेना प्रेमी, देश में खुद बात कर रहे हैं, ठीक है प्लीज प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है, तारिक खान कुछ कह रहे हैं, तारिक खान कुछ कह रहे हैं, प्रदीप भाई आ रहे हैं, देखिए नितिन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तारिक भाई एक मिनट, हाँ अंकुर जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए भाई जी, नितिन जी अगर पेंशन और तनख्वाह वो देश के लिए हमारे लिए बलिदानी देने को तैयार हो और हम अगर उनकी पेंशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें कौन गलत बात कह दिया,
हम लोगों को तो उनपे सर्वा से निछावर कर देना चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिससे इसका दोहरा चाल चरित्र नजर आ रहा है। आप अपने सैनिकों को पेंशन नहीं देना चाहते, उनकी एज घटाए दे रहे हैं इसलिए कि आप उनको पेंशन नहीं देना चाहते। ये तो आपके दोहरे चाल चरित्र को आम जनता ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, आप लोगों ने कभी नहीं दिया। जो सेना के हित में आपने नहीं हुआ, उस सरकार ने काम करने का किया। प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक है, आपने सिर्फ लिया है, ठीक है गुरु भाई, ठीक है। हां तारिक खान, जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी मैं कह रहा हूँ, जिस बात पे अभी बहस चल रही थी, शायद पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ की, जो मिलिट्री चीफ थे उनकी नहीं देखी गई। उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या जो आधार, जो मेडिकल दे चुके आधार भर्ती चलती रहेगी, उन्होंने कहा नहीं, जो रूट होगा वो अग्निवीर ही होगा मिलिट्री में आने का सैनिकों के लिए, बाकी जो अधिकारी का जो चयन है वो चलता रहेगा। ये जो उन्होंने बोला, मैं बता रहा हूँ। देखिए एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं बजट मैनेजमेंट की भी कोशिश की जा रही है। अच्छा, कि जो बजट है हमारी, जो मिलिट्री का जो डिफेंस पे बजट रहता है, उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से, मतलब पेंशन और सैलरी को बचा करके बजट मैनेज करने की कोशिश, ये कहना चाह रहे हैं। बात सुन लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, पूरी बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए आप चाइना, रशिया या यूनाइटेड स्टेट से कंपेयर करना चाहते हैं, उनका मिलिट्री बजट चाइना का 250 बिलियन है और उनका 750 बिलियन है, हमारा लगभग 70 बिलियन है। मैं कहना चाहता हूँ ये कि आप अपनी जो कमाई है 5 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के बाद आप उनसे कंपैरिजन, आप टेक्निकली फिट बनाना चाहते हैं, टेक्निकली ज्यादा इक्विप्ड करना चाहते हैं मिलिट्री को, अच्छी बात है, लेकिन उन सैनिकों के हित से सैक्रिफाइस करके मत करिए। आप अपनी देश की ओवरऑल अर्निंग बनाइए, उस अर्निंग से जो परसेंटेज बजट को जाता है वो बढ़ेगा। हमारा साइज बहुत बड़ा है मिलिट्री का, हम 14 लाख हैं, चाइना 21 लाख है, हम लगभग अमेरिका के बराबर हैं, लेकिन बजट देखें तो अमेरिका से बहुत ज्यादा कम है, चाइना से भी कम है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर हाईली इक्विप्ड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनसे बड़े पावर बने, तो हम अपनी अर्निंग बढ़ाएं, ना कि हम यहां से चीजों को सैक्रिफाइस कराकर और टेक्निकली ज्यादा इक्विप्ड बनाए मिलिट्री को, ये बात है मेरी। ठीक है प्रदीप भाई, क्या कह रहे हैं? देखिए मैंने शुरुआती कमेंट ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ये समझने में विफल हैं कि यहाँ पे बात रोजगार को लेकर के नहीं हो रही, यहाँ देश की सुरक्षा और उस गौरव के लिए, ये जो सड़कों पे लड़के हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वो इस गौरव के लिए परेशान हैं कि वो जब वहां से जॉब करके आए तो लोग कहें कि ये भारतीय सेना के लिए काम करके आया है, ये एक सैनिक है, ना कि अग्निवीर। उस अग्निवीर का कोई अस्तित्व नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी। और जो अभी परमानेंट वैकेंसी को लेकर के, तो तारिक खान जी ने क्लियर कर दिया कि वो स्टेटमेंट आ चुका है, तो शायद रामनिवास जी को ये शायद क्लियर नहीं होगा, इसलिए वो उस चीज पे कह रहे थे। दूसरी चीज ये समझनी चाहिए कि आप कोई योजना ला रहे हो, उसमें कोई व्यक्ति, कोई जो छात्र है वो जा रहा है, अपने प्राणों की आहुति देने तक तैयार है, और आप ये मान के बैठ जाते हैं कि हमको उसको पेंशन भी ना देना पड़े। आप वन रैंक वन पेंशन का मामला तो कब से लंबित रखे हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ आप कटौती करना चाहते हैं, तो जो बॉर्डर पे खड़े होकर के उसको अपने प्राणों की कोई फिक्र नहीं है, वो चाहता है कि हमारे देश में बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक नेता सुरक्षित रहे, और आप चाहते हैं कि हम उसकी पेंशन काट दें। कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी जो इस देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है। ठीक है शिवम भाई, कुछ कहना? सर देखिए, मेरा बस यही कहना होगा कि ये स्कीम जो है, अगर जो पुरानी लाइक रिक्रूटमेंट स्कीम्स थी, अगर वो बराबर चलती रहती, और इसको मैंने पहले भी ये बात रखी थी कि अगर ये पैरेलल एक एज एन ऑप्शन उनको अदर ऑप्शन देते हमारे युवाओं को, तो शायद ये बहुत ज्यादा अच्छी स्कीम मानी जाती। ठीक है अंकुर भाई। जी जी, संक्षिप्त में सिर्फ नितिन भाई इतना कहना चाहूंगा कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये हमारे युवाओं को अग्नि में मिलाने की स्कीम है, और इसका राष्ट्रीय लोकदल एंड अपोजिशन के प्रवक्ता के तौर पे हम लोग निरंतर विरोध करेंगे, जब तक कि इस योजना को आवश्यकता अनुसार संशोधित करके युवाओं के सपनों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करने वाली ना। ठीक है रामनिवास जी। नहीं भाई, सब लोग विपक्ष में है, जो लोग विपक्ष का, मैंने आपसे पहले कहा कि मोदी जी का कोई भी निर्णय होता है, चाहे धारा 370 हटानी हो, तो धारा नहीं अनुच्छेद कहते हैं उसको, आप ये तो समझिए, आपने दूसरी बार धारा तो सारे लोग अनुच्छेद कहते हैं, तरफ पत्थर फेंकवाएंगे, गोली चलवाएंगे, बसें फुकवाएंगे, ट्रेनों में आग लगवाएंगे, क्योंकि इनका काम ही बरगलाने काम करना है। लेकिन देश का युवा जानता है कि मोदी जी की सरकार और मोदी जी देश के युवाओं और देश के हितों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो उनके साथ हैं। अगर ये दंगा, ये फसाद जो इतना हुआ है, ये मेरे विपक्ष के मेरे साथी बंधु इन्होंने कराया है, इसीलिए मैंने कहा ना कि 11-12 से गिरफ्तारियों, बिहार में तो आपकी सरकार है ना, राजनीतिक गिरफ्तार हुए, उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोचिंग वाले गिरफ्तार हुए, ले लीजिए
अपने अपने मुख्यमंत्री हो, युवा भी जान गया है, उत्तर प्रदेश के बिहार भी जान गया है, खड़े हैं, यही कारण है योजना के विरोध में असफल हो गया है। विरोध में इनके सहयोगी बिहार में जिनको मुख्यमंत्री बना के बैठाया है वही इनके विरोध में है, और बात करते हैं भारत बंद विपक्ष की असफल हो गया है, विपक्ष ने दंगे करवा दिए, युवा भी जान गया है, देश की जनता भी जान गई, आपके सहयोगी आपके साथ में नहीं है, आपके सहयोगी आपके साथ में नहीं, आप बात करते हैं विपक्ष की, अपने सहयोगियों को विश्वास में नहीं लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो सरकार की तरफ से ये जो नया नियम बनाया गया है 4 साल सेना में सेवा देने का, इसको लेकर के लगातार युवाओं में रोष है, वो लगातार सड़क पर उतर कर अपना विरोध जता रहे हैं और लगातार इस नियम में कई सारे जो बदलाव हैं वो एक एक करके किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सेना के भविष्य को बेहतर करने के लिए और युवाओं के भविष्य को और उजागर करने के लिए उठाया गया कदम है। बहरहाल इस कदम को सही तरीके से अगर समझा जाए तो, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि जो युवाओं की काउंसलिंग है उसे इस वक्त सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, इस नियम से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं वो उन तक सही तरीके से पहुंच सके, और युवाओं का भी ये धर्म है कि अगर वो सेना में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनुशासन का पालन करें। ये जो जिस तरह से बवाल कट रहा है, ये बवाल काटना सेना के अभ्यर्थियों को शोभा नहीं देता, वो अपने घर में बैठे विरोध जताएं कुछ भी करें, लेकिन इस तरह से अराजक तत्व बन के ट्रेनें ना फूके, ट्रेनें ना रोके, लोगों की जान को हानि ना पहुंचाने की कोशिश करें। आप सबसे ये अपील है और इस अपील पर ध्यान दीजिए। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।